हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। मेरा इंट्रोडक्शन ऐसा है कि मैं 2000 से इस मतलब फिल्म जगत में मैं कुछ करते रहता हूँ। मेरा स्टार्ट हुआ करियर, मैंने वीडियो एल्बम किया काफ़ी। वीडियो एल्बम के बाद मैंने सीरियल्स बनाई हैं। सीरियल्स के बाद मैंने मराठी मूवी बनाया, दो मराठी मूवी बनाया, और अभी हम भोजपुरी पिक्चर बनाने जा रहे हैं और उसमें काम करने जा रहे हैं। हम तो रहने वाले मूल बिहार से हैं और काफ़ी दिनों से मुंबई में आके हम काम कर रहे हैं, और इसी दौरान मराठी मूवी बना के और मराठी में काम करके काफ़ी मैंने काम किया है। स्टेज पे इस पे जाके जो काम किया तो मुझे ये फील हुआ कि मतलब हम भोजपुरी में, हम बिहार के रहने वाले हैं, तो मुझे ये चीज़ आई फीलिंग कि हम भोजपुरी में कुछ अच्छा काम करें, कुछ अच्छी मूवी बनाएं। हालांकि सब काम ही अच्छा होता है, लेकिन मेरा अपना नज़र है, हम अपने नज़र में कुछ अलग करना चाह रहे हैं। कुछ प्लेन जाता, हवाई जहाज जाता जी। हाँ, तो हम ये, मेरा ये कहना है पिक्चरें और सभी अच्छी बनती है, सबका अपना 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 सोच है। मेरा अपना अलग सोच है, और हमारी अभी जो जिस पिक्चर में काम कर रहा हूँ, ये एक ऐसी मतलब पिक्चर है जो काफ़ी अच्छी मैसेजेस दे रहे हैं। हम लोग अच्छी मैसेज दर्शक को जाएंगे, नई पीढ़ी को जा रही है, एंड कॉमेडी है, फुल धमाल कॉमेडी जिसको बोलते हैं। आप पूरे फैमिली, बच्चे, परिवार के साथ जाके आप इसे देखेंगे। नो वल्गैरिटी, जो आज बोलते हैं कि वल्गर आज एक चला है मतलब अपने इंडस्ट्री में कि बोला जा रहा वल्गर, लेकिन इसमें कोई वल्गर नहीं है, एकदम प्योर कॉमेडी और बहुत अच्छे मैसेज दे रहे हैं। और आप, हम आशा करते हैं कि आप लोग जाके इसे अपने परिवार के साथ खूब इंजॉय करें और हंसें, और काफ़ी मतलब आप हॉल में जाएंगे तो मेरा ये लगता है कि मतलब आप इंटरवल में ही बाहर नहीं जाएंगे, आप वेट करेंगे कि फिर से पिक्चर जल्दी शुरू हो जाए। इतनी अच्छी मतलब ये कहानी है हमारी पिक्चर की, और आशा यही है कि हम लोग जल्द से जल्द इसे मई तक रिलीज करेंगे, बाकी आप जाके देखें जी। हाँ, ये आपने अच्छा सवाल आपने पूछा। ये मराठी इंडस्ट्रीज के बाद भोजपुरी में आना, तो वो ऐसा था कि मराठी में मैंने तो मराठी मूवी बनाया, मराठी एल्बम्स बनाए, तो ये काम करने के बाद लगा कि अब मतलब हम, मुझे अपने बिहार के लिए भी कुछ काम करना चाहिए। हम जहाँ जिस मिट्टी से हैं, और हम तो वो मेरे दिल में ख्याल आया कि मुझे अच्छा कुछ करना चाहिए, कुछ अपने भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के लिए हम भी कुछ काम करें, अपना जो एक अच्छा कला है वो दिखाएं लोगों को, उनके बीच जाके। और आशा ही करता हूँ कि मैं अभी काफ़ी पिक्चर हम लोग भोजपुरी में करेंगे, और ये जो पिक्चर, और सबसे ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अजय श्रीवास्तव जो डायरेक्टर हैं, वो मेरा छोटे भाई जैसा है, और उसका ज़्यादा इसमें मेहनत है। उसने मुझे बताया, समझाया कि भैया ये भोजपुरी हमारी जो पिक्चर बन रही है, इसकी कहानी बहुत ही अलग है, बहुत ही अच्छी कहानी है, और हम लोग इसे मतलब दर्शक को अच्छे रूप में मतलब एक अच्छा चीज़ दिखाना चाहते हैं। तो मुझे काफ़ी पसंद आई उसकी कहानी और उसकी बातें, तो मैं भी सोचा कि नहीं, अभी भोजपुरी इंडस्ट्रीज में भी जाने का सही समय है कि हम अच्छी पिक्चर बना के अच्छा कला दिखला सकते हैं। सुनाई नहीं दिया, फिर प्लेन आ गया।
नहीं, ये पिक्चर है, मैं नज़र आऊँगा, मैं काम कर रहा हूँ और मैं इसमें अपना एक अलग मेरा किरदार इसमें है, एक्टिंग जो मैं दिखलाना चाहता हूँ लोगों को कि जब हम भोजपुरी पिक्चर बना रहे हैं जो हमारी लैंग्वेज है तो हम उसमें अच्छा काम करें और अच्छा एक्टिंग करें और अच्छी पिक्चर बनाएं। तो ये मेरा आना और काम करने का वो एक अलग मज़ा है कि हम काम कर सकते हैं। ठीक है, हमने मराठी बनाई है किया, हम उसमें नहीं काम कर सकते थे क्योंकि उनका लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज अलग होता है, लेकिन हम मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं तो हम अच्छा एक्टिंग भी कर सकते हैं और हमने काफ़ी थिएटर किया है, काफ़ी नाटक किया है। तो अभिनय करना मेरा शौक रहा है बचपन से और हम अच्छा अभिनय कर सकते हैं और मेरा कोशिश ही रहेगा कि आप दर्शक देखेगा कि मैं क्या अपना अभिनय हम क्या कर रहे हैं ये उनके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, मैं अपना बेस्ट दूंगा कि जो अच्छा हो सके। आज के दौर में भोजपुरी बहुत बहुत अच्छी दौर में चल रही है, भोजपुरी अच्छी पिक्चरें बन रही हैं और भोजपुरी का देश विदेश में भी हमारे दर्शक हैं। सिर्फ हम बिहार यूपी का ही बात नहीं कर सकते हैं, भोजपुरी एक ऐसा लैंग्वेज है जो आप कंपलसरी फिजी में भी लोग बोलते हैं एंड काफ़ी ऐसे जगह हैं जहाँ पे विदेश में लोग भोजपुरी बोलते हैं। फिर से वही सवाल है, बरगटी ऐसा बोल नहीं सकते, देखिए आप हिंदी पिक्चर भी देखते हैं तो उसमें भी वही रहता है, तो हम कैसे पेश करते हैं अपने आप को वो सबसे बड़ी बात है। तो वो चीज़ है कि आप कैसे पेश करते हैं, पिक्चर तो है तो उसमें तो थोड़ा रहता ही है कि भाई दर्शक आनंद ले, सभी एक तरह के दर्शक तो नहीं होते हैं, इन्हें किसी को नाच गाना पसंद होती है पिक्चर में, किसी को स्टोरी पिक्चर में अच्छी होनी चाहिए एंड किसी को मतलब अच्छा देखना सीन अच्छा होना चाहिए वो होता है। तो पॉलिटी ऐसी बात नहीं है कि वो उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा बात करें, ये अपना अपना सोच है, अपना अपना अंदाज है कि हमको क्या कैसे पेश करना है, लेकिन हमारी तो ये सोच है कि हम अच्छी पिक्चर बनाएं, साफ़ सुथरी पिक्चर रहे जो आप पूरे फैमिली के साथ जाके आप आनंद ले, हॉल में बैठ के पिक्चर देखें, ये नहीं कि हम सिर्फ मैं ही जाके पिक्चर देख रहा हूँ और बाकी घर में बच्चे और लोग नहीं जा रहे हैं, घर के बड़े बुजुर्ग भी जाके देखें। जो आज पिक्चर ऐसा बनी है कि भाई जो बनती है हिंदी में बनती है, तो हमारी सोच यही है कि हम अच्छी पिक्चर बनाएं। म्यूजिक काफ़ी म्यूजिक है इसमें, कोई भी मतलब जो बोलते हैं लोग कि डबल मीनिंग है, ये है वो है, तो हमारे म्यूजिक और गाने में कोई डबल मीनिंग नहीं है, सिंपल मीनिंग है और अच्छी मीनिंग है और अच्छी गाने स्वीट्स है, सारे मीनिंग और सारे मतलब बहुत अच्छे हैं, जो जैसे पिक्चर को जो चाहिए यहाँ पे जो सिचुएशन के ऊपर गाना रहता है तो जो सिचुएशन चाहिए वही हम दे रहे हैं, हम ये नहीं दे रहे हैं कि आप उसको देख ना सकें, आप घर में फैमिली के साथ वो गाने को आप फैमिली के साथ भी गाना को देख सकते हैं। हाँ, फिल्म की कास्टिंग पूरी हो चुकी है, फिल्म ये झारखंड में शूट होगा, रांची में शूट होगा, रांची का लोकेशन बहुत अच्छा है, काफ़ी फ्रेश है और हम लोग 25 जनवरी से हम लोग ऑन फ्लोर जाएंगे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.